देखिए, जब भी दो देशों के बीच में सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है तो सामान लाने ले जाने के तीन ही तरीके होते हैं। या तो सामान ट्रेन से आता है, या प्लेन से आता है, और या फिर आता है शिप से। और जब सामान शिप्स के थ्रू आता है तो वह इतने बड़े बड़े कंटेनर्स में रख कर लाया जाता है, और कई बार खराब मौसम की वजह से कंटेनर समुद्र में गिर जाते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जब एक कंटेनर शिप से समुद्र में गिर जाते हैं तो आखिर इनका होता क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे आपको, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, खराब मौसम की वजह से लगभग हर साल 15,000 कंटेनर समुद्र में गिर जाते हैं। और देखिए, क्योंकि समुद्र में गिरे हुए कंटेनर्स को दोबारा शिप पर रखने के चक्कर में और ज्यादा कंटेनर्स को समुद्र में गिरने का खतरा रहता है, इसीलिए वो इनको समुद्र में ही छोड़ देते हैं। उसके बाद या तो ये डूब जाते हैं या फिर समुद्र में ऐसे ही तैरते रहते हैं।